सत श्री अकाल, चढ़दी कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं राजविंदर कौर स्वागत करती हाँ। खबर की शुरुआत तो पहला एक नज़र मार लें सुर्खियों की वल। राजनाथ सिंह ने ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक नाल की मुलाकात, रक्षा व्यापार सने कई मुद्दों से हुई चर्चा, व्यापार संबंधी चल रहे समझौते से भी की गलबात। पाकिस्तान तो आई दिल दहलाने वाली घटना, इको परिवार के 11 मैंबर की मिली लाशा, पुलिस ने सारे इलाके नु किया सील। पॉलीकैब ग्रुप से पिया आमदन कर विभाग का छापा, 1000 करोड़ की बिना बिल नकद सेल का होया खुलासा, विभाग की टीम ने नकद सेल का किया पर्दाफाश। अते हुन खबरां विस्थार दे नाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट विखे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक नाल मुलाकात की है, वख-वख दुवल्ले मुद्दों पर चर्चा की। मीटिंग तो जाणू सीनियर अधिकारियों के अनुसार गलबात के एजेंडे विच रक्षा, व्यापार ते खेतरी मुद्दे शामिल सन। इस तों इलावा मुक्त व्यापार समझौते संबंधी चल रही गलबात की प्रगति ते भी चर्चा की गई है। सिंह ने सुनक तों इलावा विदेश मंत्री डेविड कैमरन नाल विदेश राष्ट्रमंडल ते विकास दफ्तर विखे मुलाकात की। सिंह ने सोशल मीडिया से एक बयान च कहा कि ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन नाल भारत यूके संबंधों नूं शाहित करन ते दोवां देशां विचकार सहयोग नूं डूंघा करन ते व्यवहारिक चर्चा हुई है। दो उच्च पदरी मीटिंग तो बाद सिंह ने अपने हम रुतबा ग्रांड शेप्स नाल यूके भारत रक्षा उद्योग दे सीईओ दे गोलमेज सम्मेलन की सह प्रधानगी भी की। सरहद पार तो एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जिथों के खैबर पख्तूनख्वा सूबे विच बच्चों ते औरतां समेत एक ही परिवार के 11 मैंबर अपने घर विच मृतक पाए गए। पुलिस मुताबिक ये लाशां खैबर पख्तूनख्वा सूबे के लक्की मरवत जिले के तख्ती खेल कस्बे स्थित एक घर चो मिलियां ने। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटना संबंधित सबूत इकट्ठे करने इलाके की घेराबंदी की है। स्थानक पुलिस की मुढ़ली जांच तो पता लगे कि इन्हां लोगों की मौत 2 दिन पहला जहरीली चीज खाने हो गई सी। पुलिस अधिकारियों ने दसिया कि मृतक रिश्तेदार ने 2 दिन पहला कथित तौर पर वजीरिस्तान तो खाना खरीदया सी। इस दे नाल ही स्थानक सूत्र दसते हैं कि यह घटना किसी घरेलू झगड़े कारण वापरी। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों शोरों चल रही ने। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा ने संगमरमर की बनी कमल के फुल के आसन, जिसते राम लल्ला के सोने का सिंघासन रखा जाएगा, की स्थापना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम लल्ला अपने हाथों में अस्थाई मंदिर तो लैके विशाल राम मंदिर के पावन स्थान तक जाएंगे। जिलाधिकारी ने दसिया कि अयोध्या धाम के 37 मंदिरों उन्होंने विरासत अनुसार विकसित किया जा रहा है। 30 तालाब भी विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने दसिया कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं लिए वख-वख थावां ते पार्किंग के भी प्रबंध किए गए ने। प्राण प्रतिष्ठा तो बाद 3 तों 5 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन लिए आने का अंदाजा लाया जा, दर्शन की मियाद बढ़ सकती है। इस संबंध में तीर्थ खेतर ट्रस्ट के अहुदेदारों नाल गलबात चल रही है। 16 तों 22 जनवरी तक चतुर्वेद यज्ञ होएगा ते 22 जनवरी अद्धे दिन श्री राम लला की मूर्ति दी अखां तों पट्टी खोली जाएगी ते उन्होंने दर्पण दिखाया जाएगा। श्री राम मंदिर कंपलैक्स हुण रात नूं सारे निर्माण कार्ज किए जाएंगे। इनकम टैक्स विभाग वालों बिजली दियां तारां ते होर बिजली दे उपकरण बनाउण वाली कंपनी पॉलीकैब दियां ब्रांचां दी तलाशी दौरान लगभग 1000 करोड़ दी बिना बिल की गई नकद सेल का पर्दाफाश किया। केंद्रीय प्रत्यक्ष टैक्स बोर्ड ने दिते बयान च कहा कि पिछले साल 22 दिसंबर नूं पॉलीकैब समूह की तलाशी करन समय 4 करोड़ तों वध दी बेहिसाब नकदी जब्त की गई सी। इस दे नाल ही 25 तों वध बैंक लॉकरां ते भी रोक लगाई गई है। तलाशी मुहिम च मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नासिक, खरौल ते दिल्ली सने
50 इकाइयां शामिल ने। बोर्ड ने अपने बयान च समूह का नाम नहीं लिया पर सूत्रा ने ही कार्रवाई पॉलीकैब समूह से होने की पुष्टि की है। इस दौरान कंपनी ने टैक्स चोरी दलों अफवाह दसिया। कंपनी ने कहा कि वह नियमों को लेकर काफ़ी पाबंद है तो उन्होंने पालन करती है। उन्होंने दसिया कि इस तो पहला भी दिसंबर च हुई तलाशी दौरान कंपनी ने अधिकारियों को पूरा सहयोग दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने प्रोग्राम च हिस्सा लेने वाले लोगों को भी संबोधन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगले 25 सालों में भारत को विकसित बनाने का टीचा है। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हाल ही में भारत ने आजादी के 75 साल पूरे किए हैं। हुण भारत अगले 25 सालों के टीचे से काम कर रहा है। आजादी के 100 साल पूरे होने तो बाद देश विकसित होता है, इसलिए 25 साल का समा भारत का अमृत काल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरी गारंटी है कि भारत अगले कुछ सालों में तीजी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत इस समय दुनिया की 5वीं सब तो वड्डी ताकत है। अपनी शुरुआत तो लैके पिछले 20 सालों में वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन ने नवे विचारों को एक प्लेटफार्म दिता है। निवेश के रिटर्न लिए नवे रस्ते खोले ने। 2024 की थीम गेटवे टू द फ्यूचर। अयोध्या के राम मंदिर च रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा समारोह च जान तो कांग्रेस ने इनकार कर दिता है। पार्टी प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे, साबका प्रधान सोनिया गांधी, लोकसभा च पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी समारोह च शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि प्रोग्राम भाजपा ने सियासी लाभ लिए आयोजित किया है। निर्माण अधीन राम मंदिर का चुनावी लाभ लेने लिए उद्घाटन किया जा रहा है। दस दिए कि 22 जनवरी होने वाले प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम च कांग्रेस के 3 मुख नेतावान सदा दिता गया। पार्टी जनरल सकत्तर जयराम रमेश ने एक बयान च दावा किया है कि मंदिर का निर्माण काम अधूरा है। इसका उद्घाटन चुनावी लाभ लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी भाजपा के राष्ट्रीय स्वयं संघ के आयोजन के इस सदे को नामंजूर कर दे। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने लोगों को अपने वाहनों से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटा लगाने की अपील की है। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने दसिया है कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों से केंद्रीय सड़क आवाजाई के राजमार्ग मंत्रालय नोटिफिकेशन अनुसार वाहनों से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना लाजमी है। इन्होंने दिशा निर्देशों तहत ही पंजाब राज में भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट सारे वाहनों लिए लाजमी की गई। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार वालों लोगों की सहूलत लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेटा लगाने संबंधी वक्रे फिट सेंटर खोले गए ने। इस तों इलावा घर विच जा के हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की भी सहूलत दी गई है, जिसका लोग लाभ ले सकते हैं। उन्होंने मुड़ लोगों को फिर अपील की है कि अपने वाहन से हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना यकीनी बनाउन। उन्होंने कहा कि अजिहा ना करन दी सूरत विच चलान दे नाल नाल भारी जुर्माना भी भरना पै सकता है। अपने जीजे नाल कुटमार दे मामले विच 2 साल दी कैद दे विरोध विच कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने जिला सैशन कोर्ट संगरूर विच अपील दायर की। इस मामले दी सुनवाई अदालत ने 15 जनवरी नूं रखी है। शिकायतकर्ता धिर नूं वी पेश होने लई नोटिस भेजा गया। दसनयोग है कि 21 दिसंबर नूं सुनाम कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री समेत 9 व्यक्तियों 2 साल की कैद से 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई सी। अमन अरोड़ा ते अपने साथियों नाल मिल के अपने जीजे दे घर विच दाखिल होकर कुटमार करन दे दोष साबित होए सन। 15 साल तक सुनाम की अदालत विच विचार अधीन केस दौरान 21 दिसंबर नूं अदालत ने सजा का ऐलान किया सी। ते बाद विच अदालत ने अरोड़ा नूं सैशन कोर्ट विच अपील करन लई 3 दिन का समा दिता सी।
टांडा नेड़ले पिंड तलवंडी सलां विखे वापरे साहिल कतलकांड विच पुलिस प्रशासन की ढिली कारगुजारी खिलाफ पीड़ित परिवार ते पेंडू मजदूर यूनियन पंजाब वालों 15 जनवरी नूं टांडा विखे रोस प्रदर्शन करन दा ऐलान किया गया। इस दी तैयारी लई मामले नूं 11 जनवरी तो यानी कि अज तो पिंडां विच लोकां दी कचहरी विच ले जाण दा फैसला किया गया। इस मौके पेंडू मजदूर यूनियन पंजाब दे सूबा प्रेस सकत्तर कश्मीर सिंह, यूनियन दे यूथ विंग दे सूबाई आगुआ गुरप्रीत सिंह चीदा ते मेजर सिंह कोटोडर माल वालों पीड़ित परिवार नाल डूंघे दुख दा प्रगटावा किया गया। इस मौके मांग की गई कि साहिल कतलकांड विच नामजद अते अणपछाते सारे व्यक्तियों नूं तुरंत गिरफ्तार करके मिसाली सजा दिवाई जाए। हुण नजर मार दी अज दे मौसम दे हाल दे वल। इस दे नाल ही खबरां दा सिलसिला इत्थे समाप्त हुंदा है। नवीआं ते ताज़ा खबरां दे नाल फिर हाजिर होवांगे। तद तक लई दिओ इजाज़त। धन्नवाद।